सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में 5 मैचों की T20 सीरीज होनी है, लेकिन इस T20 सीरीज के मुकाबले कितने बजे से शुरू होंगे, यह सभी मैचेस के स्टेडियम में खेले जाएंगे और इसके लिए क्या टीम होगी भारतीय टीम की प्लेइंग 11, तो आपको इस वीडियो में सारी खबर बताएंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, दूसरी और एक और बड़ी खबर यह निकल कर सामने आ रही है कि क्या आखिरकार T20 मैचेस के लिए दर्शकों को मैदान में एंट्री दी जाएगी या नहीं, इस सस्पेंस पर भी बातचीत करेंगे। आपको बताएंगे कि अब एसोसिएशन का फाइनल फैसला क्या है और को मैच देखने की अनुमति मिलेगी या फिर नहीं। तो दोस्तों, दोनों खबरें जानने के लिए इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में बहुत ही जल्द 4 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि ये जो दौरा है इंग्लैंड की टीम का, ये लगभग 2 से 2.5 महीने तक चलेगा और इस दौरान इंग्लैंड की टीम टेस्ट के बाद T20 और वनडे सीरीज भी खेलेगी। मतलब कि अब 2 से 3 महीनों के लिए तो भारतीय टीम आप सभी को मैदान पे बस क्रिकेट ही खेलती नजर आएगी। लेकिन इंग्लैंड के इस दौरे पर सबसे ज्यादा रोमांचक सीरीज तो होगी T20 सीरीज। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी टीम T20 सीरीज को जीते, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 500 लाइक्स है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों एक लंबे अरसे के बाद भारत और इंग्लैंड की टीम T20 में एक दूसरे से दो दो हाथ करते नजर आएंगे और वो भी 5 मैचों की T20 सीरीज में। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये बताते हैं कि आखिरकार ये सभी मुकाबले किस तारीख को किस मैदान में खेले जाएंगे। दोस्तों, T20 सीरीज के सभी मुकाबले अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में होंगे, जिसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया का फिलहाल सबसे बड़ा स्टेडियम है। और अगर T20 सीरीज के मुकाबलों की बात करी जाए, तो यहाँ पर 12 मार्च से T20 मुकाबले शुरू हो जाएंगे भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में। इसके बाद एक एक दिन के अंतराल के बाद सभी मुकाबले 20 मार्च तक खेले जाएंगे। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि इसी मैदान पर पहले टेस्ट मैचेस भी खेले जाएंगे। और दोस्तों, अगर टाइमिंग्स की बात करी जाए, तो आपको बता दें कि भारत के समय के अनुसार शाम 7 बजे से ये सभी मैचेस शुरू होंगे। और अगर दर्शकों को देखने की अनुमति की बात करी जाए, तो आपको बता दें कि एक फैसले के अनुसार इस बात को माना जा रहा है कि 50% दर्शक को इजाजत दी जाएगी मैदान में बैठने की। मतलब कि दोस्तों, T20 सीरीज तो दर्शक देख सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि टेस्ट सीरीज के लिए किसी भी दर्शक को मैदान में आना अलाउड नहीं है। और अगर दोस्तों बात करें भारतीय टीम में वापसी कर रहे खिलाड़ियों की, तो आपको बता दें कि T20 सीरीज के लिए बहुत ही बड़े व सॉलिड बदलाव भारतीय टीम में होंगे। सबसे पहला बदलाव तो दोस्तों होगा उपकप्तान रोहित शर्मा को लेकर। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ रोहित शर्मा ने ODI और T20 सीरीज दोनों को मिस किया था, परंतु क्योंकि अब वह पूरी तरीके से फिट हैं, तो वह अपनी टीम में वापसी करने के लिए तैयार है। इसी के साथ साथ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम को T20 सीरीज एक रोमांचक तरीके से जिताने वाले ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी टेस्ट सीरीज में आराम के बाद अब इंग्लैंड की टीम के खिलाफ टेस्ट और T20 में वापसी करेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि ऋषभ पंत भी टीम में वापसी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये तीनों जोरदार खिलाड़ी आप सभी को भारतीय टीम का हिस्सा बनते नजर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या T20 सीरीज के लिए ऋषभ पंत की टीम में वापसी होनी चाहिए या नहीं, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।